लैपटॉप खरीदने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कौन सा लैपटॉप? आज हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। लैपटॉप लेना एक बड़ा डिसीजन है, इसलिए सही लैपटॉप सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के बाद आप अपनी जरूरतों और बजट को समझकर एक बेहतरीन डिसीजन ले सकेंगे। सबसे पहले आप लैपटॉप का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, ये सवाल सबसे पहले और सबसे जरूरी है। आप अपने लैपटॉप को किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर, कितनी रैम और कितना स्टोरेज चाहिए। बेसिक टास्क के लिए जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियोस देखना, डॉक्यूमेंट्स करना, i3 प्रोसेसर, 4GB रैम, 256GB SSD। स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन लर्निंग, i5 प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD। और गेमर्स के लिए हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड, पावरफुल प्रोसेसर, i7 या उससे ऊपर, 16GB रैम या उससे ज्यादा, 1TB SSD या HSD प्लस SSD कॉम्बो। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, पावरफुल प्रोसेसर, अगेन i7 या उससे ऊपर, 16GB रैम या उससे ज्यादा, 1TB SSD या HSD प्लस SSD कॉम्बो। सेकेंड प्रोसेसर यानी CPU। लैपटॉप का प्रोसेसर जितना पावरफुल होगा उतना ही तेज चलेगा। बेसिक टास्क के लिए इंटेल i3 या AMD Ryzen 3, डेली यूज और मल्टीटास्किंग के लिए इंटेल i5 या AMD Ryzen 5, और गेमिंग और डिमांडिंग टास्क के लिए इंटेल i7 या AMD Ryzen 7 और ऊपर। थर्ड, रैम बताती है कि आपका लैपटॉप कितने एप्लीकेशन को एक साथ स्मूथली चला सकता है। बेसिक टास्क के लिए 4GB रैम, डेली यूज और मल्टीटास्किंग के लिए 8GB रैम, और गेमिंग और डिमांडिंग टास्क के लिए 16GB रैम या उससे ज्यादा। स्टोरेज, ये वो जगह है जहां आपके फाइल्स, फोटोज, वीडियोस और एप्लीकेशन स्टोर होते हैं। बेसिक टास्क के लिए 256GB SSD, डेली यूज और मल्टीटास्किंग के लिए 512GB SSD या 1TB SSD प्लस 256GB SSD कॉम्बो। गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 1TB SSD या उससे ज्यादा। डिस्प्ले, लैपटॉप का डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही है जहाँ से आप स्क्रीन देखते हैं। साइज, 13 इंच से 17 इंच, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन, फुल HD मिनिमम, और गेमर्स के लिए हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेस जैसे 2K या 4K ले सकते हैं। टच स्क्रीन, ये ऑप्शनल है लेकिन कुछ लोग टच स्क्रीन को प्रेफर करते हैं। बैटरी लाइफ, आप कब तक बिना चार्ज किए काम करते हैं, इसीलिए लैपटॉप चूज करते टाइम बैटरी लाइफ को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। लाइट यूज के लिए 4 से 6 घंटे, मॉडरेट यूज के लिए 3 से 4 घंटे, और हैवी यूज के लिए 2 से 3 घंटे। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक ओएस या क्रोम ओएस, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है। विंडोज सबसे वर्सेटाइल गेमिंग और वेरियस एप्लीकेशंस के लिए अच्छा है। मैक ओएस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाता है, क्रिएटिव वर्क के लिए अच्छा है। क्रोम ओएस लाइट वेट और फास्ट, बेसिक टास्क और स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है। ब्रांड और वारंटी, वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको हार्डवेयर प्रॉब्लम्स होने पर सपोर्ट देता है। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जिन्हें आपको लैपटॉप खरीदने से पहले सोचना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लैपटॉप बाइंग जर्नी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स करिए #smarttrickslaptop। थैंक्स फॉर वॉचिंग।